चेस्ट का शेप ठीक करने के लिए भाई आपको फैट लॉस के साथ साथ आपका चेस्ट मसल भी बनाना पड़ेगा। और आप भाइयों से मुझे बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि सर हमारा एक साइड का चेस्ट थोड़ा बड़ा दिख रहा है, उसे हम कैसे ठीक करेंगे, और जब भी हम कोई बेंच प्रेस करते हैं या डंबल प्रेस करते हैं तो हमारे शोल्डर जॉइंट क्यों पेन करते हैं, और हम इतने दिनों से चेस्ट वर्कआउट कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारा चेस्ट का शेप ठीक नहीं हो रहा है। तो खाली चेस्ट एक्सरसाइज कर लेने से आपके चेस्ट मसल नहीं बन जाएंगे। रिजल्ट पाने के लिए हर चेस्ट एक्सरसाइज को सही तरीके से करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एक पेयर डंबल के साथ आप आपका चेस्ट मसल कैसे बना सकते हैं। जो फर्स्ट स्टेप आपको फॉलो करना है वो ये कि डंबल को उठा के आपको आपके थाई के ऊपर रखना है और चेस्ट के साथ लगा के रखना है, और जो डंबल का हैंडल है ना उसे आपको थोड़ा ऊपर से पकड़ना है ताकि जब आप बेंच के ऊपर लेटेंगे प्रेसिंग करने के लिए तब डंबल आपके चेस्ट के साथ बड़ी आसानी से नीचे चला जाए। अब आप पूछेंगे कि इससे आपको फायदा क्या मिलेगा। जब आप फ्लोर से डायरेक्टली डंबल को झटका देके ऊपर उठाते हैं ना तब आपके शोल्डर जॉइंट के ऊपर अननेसेसरी स्ट्रेस पड़ता है जिसके वजह से शोल्डर इंजुरी होने का चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। हो सकता है शुरुआत में आपको पता ही ना चले लेकिन कुछ दिनों के बाद जब आप कोई भी प्रेसिंग मूवमेंट करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई मेरे शोल्डर में कोई इंजुरी हुआ है। और जो दूसरा बेनिफिट ये है ना कि जब आप नीचे से डायरेक्टली डंबल को उठाते हैं तो उठाने में ही आपका आधा पावर चला जाता है और बाकी बचे हुए पावर में आप प्रेसिंग लगाते हैं। लेकिन अगर आप ये तरीका अपनाएंगे ना तो आप फुल पावर के साथ प्रेसिंग लगा पाएंगे और मैं ये आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपका रिपीटेशन भी बढ़ जाएगा। जो दूसरा स्टेप आपको फॉलो करना है वो है भाई एल्बो एंगल। जैसे मैंने आपको पुशअप के वीडियो में बताया था कि आपको एल्बो एंगल 45 से लेकर 60 डिग्री के अंदर ही रखना है ताकि आपके चेस्ट मसल ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट हो पाए, तो यहाँ पर भी आपको वही प्रिंसिपल फॉलो करना है। आपको एल्बो एंगल मेंटेन करना है 45 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के अंदर, उसके बीच में जहाँ पे भी आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे वो एंगल पे आप लगा सकते हैं। थर्ड स्टेप है आपको डंबल स्लोली नीचे लाना है और ऊपर थोड़ा जल्दी उठाना है। मतलब नीचे लाने के लिए आप 3 सेकंड का टाइम लेंगे और ऊपर उठाने के भाई 2 सेकंड का आप टाइम लेंगे। नीचे जाने के टाइम आपको ब्रीदिंग लेना है और ऊपर उठाने के टाइम आपको ब्रीदिंग छोड़ना है। आपको डंबल पूरा नीचे लेकर जाना है जब तक आपके चेस्ट के साथ टच ना करें। अब सवाल आता है कि कितने वेट के साथ हमें डंबल प्रेस करना चाहिए, और यही हमारा फोर्थ स्टेप है। मतलब आपका 1 रेप मैक्स जितना है उसका 40-80% वेट के साथ ही आपको इस वर्कआउट को करना है। अब ये आप कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका 1 रेप मैक्स कितना है, उसका 40% कितना है, 60% कितना है, 80% कितना है, वो अपने आप कैलकुलेट करके आपको दिखा देगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट लेके डंबल प्रेस कर रहे हैं और आपने पीछे एक बंदे को खड़ा कर लिया है, उसको बोला है कि भाई मेरा हाथ को पकड़ के तू उठा, तो ऐसे करने से आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये गलती प्लीज़ ना करें, इससे आपको इंजुरी ही होगा, रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि भाई स्पॉटर का पर्पज़ अलग होता है, वो इसलिए होता है कि भाई आपको इंजुरी ना हो, कि कुछ अगर गड़बड़ हो गया तो वो आपको सेव कर ले। ये मतलब उसका नहीं है कि वो आपका आधा वेट उठा के मार रहा है, तो ऐसा करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। जो फिफ्थ या लास्ट स्टेप है वो ये है कि जब आपका रिपीटेशन खत्म हो जाएगा, मतलब आप और रिपीटेशन नहीं लगा पाएंगे, तब आपको डंबल को फेंकना नहीं है, आपको डंबल आपके थाई का यूज़ करके ऊपर उठाना है। क्योंकि भाई अगर आप डंबल फेंकने की कोशिश करेंगे ना तो वहाँ पे भी आपका बाइसेप मसल टियर होने का चांस ज़्यादा रहता है और शोल्डर इंजरी होने का भी चांस ज़्यादा रहता है, और ऊपर से जिम का फ्लोर ख़राब होने का भी चांस रहता है। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें, आपके थाई को यूज़ करके आप ऊपर उठ के फिर आप वेट को नीचे लगा सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही दूसरे चेस्ट एक्सरसाइज के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए ना तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और मुझे कमेंट सेक्शन पर ये बताओ कि आपको दूसरे चेस्ट एक्सरसाइज के बारे में भी डिटेल जानकारी चाहिए, तो मैं डेफिनेटली उनके बारे में भी सेपरेट वीडियोज़ बना दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपको लगता है कि भाई मैं आपको कुछ भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ, तो भाई हमारे इस प्यारे से फैमिली का हिस्सा बनने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा दो और उसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो। और आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे ही मिलते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो।